हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद केके में। और दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों बात करें तो टेक हलचल में आप लोगों के लिए मैं रोज़ाना लेकर आता हूँ पांच ऐसी टेक अपडेट जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है व्हाट्सएप से। दोस्तों व्हाट्सएप की बात करें तो बहुत ही व्हाट्सएप एक ऐसा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हो गया है जो कि दुनिया भर में तहलका मचा रहा है और देखें तो नंबर वन पर आ गया है भारत के अंदर। देखें एक्टिव यूज़र के मामले में फेसबुक को पछाड़ कर व्हाट्सएप आ गया है आगे और दूसरे रह गए हैं पीछे। कौन कौन पीछे हैं इसकी सारी लिस्टिंग में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है व्हाट्सएप, सेकंड नंबर पर देखें तो यहाँ पर आ गया है फेसबुक, फेसबुक के बाद आता है शेयर इट के बाद है अभी मैसेंजर, इसके बाद है ट्रू कॉलर, इसके बाद है मैक्स प्लेयर के बाद भी यूसी ब्राउज़र के बाद इंस्टाग्राम, अमेजोन और पेटीएम। ये कुछ से था 10 एप्लीकेशनों का जिस पर एक्टिव यूज़र के आधार पर एक रिपोर्ट के अंदर जो कि एक फर्म है एक अच्छी सी जिसका नाम मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर एनालिटिक फर्म है जिसका नाम है एप एनी यानी कि AAPANNIE जिसने ये रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर एक्टिव यूज़र के मामले में ये सबसे आगे है। कौन? व्हाट्सएप। दोस्तों ये थी जो बात आप लोगों को बतानी थी कि व्हाट्सएप बहुत ही आगे चल रहा है और आगे भी लगता है कि ये काफ़ी तहलका मचाएगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ में अगली खबर पर और वो आ रही है LG से जुड़ी। दोस्तों LG V40 ThinQ एक स्मार्टफोन है जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो कि मिलने वाला है आपको जल्द ही। तो क्या मिलने वाला है, इसमें क्या खास चीज़ें, वो सारी बातें करने वाले हैं आप। तो चलिए दोस्तों इसको 24 जनवरी से आप इसे शिप कर सकते हैं, शिपिंग सर्विस भारत के लिए मिल जाएंगी आप लोगों के लिए। दोस्तों देखिए तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है वो है 5 कैमरे। दोस्तों 5 कैमरे की बात करें तो 5 कैसे, 2 सामने की तरफ 3 बैक की तरफ आपको मिलने वाले हैं। और उन कैमरों की बात करें तो पीछे की साइड के कैमरे यानी कि बैक साइड के रियर कैमरे देखें तो 16 12 12 16 मेगापिक्सल और इसके साथ 12 12 मेगापिक्सल के सेंसर मिल रहे हैं। दोस्तों खास बात इसकी ये है कि ये तीन कैमरों के अंदर जो लेंस है उनके माध्यम से जो फ़ोटो खींची जाती है कि उन फोटोज़ को एक साथ ऑटोमेटिक LG का ये स्मार्टफोन एक छोटे से वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसके साथ ही अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं चलिए तो यहाँ पर ये अक्टूबर 2018 के अंदर न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था और एक इवेंट के अंदर और भारत में अब मिल रहा है। तो आप ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकते हैं, अमेज़ॉन पर ये मिल रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी ख़रीद सकते हैं। दोस्तों स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले ले लेते हैं स्क्रीन 6.4 इंच फुल विज़न, गौर फरमाइएगा फुल विज़न OLED एक बहुत ही अच्छी स्क्रीन मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर रिजोल्यूशन है 3120x1440 पिक्सल का आपको रिजोल्यूशन मिलने वाला है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ में आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। और देखें तो कैमरे की बात हो ही गई है, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर सेल्फी की बात बाकी रहेगी कि सेल्फी में आपको मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल के साथ में 8 मेगापिक्सल का सेंसर, वो भी काफ़ी डीप सेंसिंग यानी कि डीप अच्छे कलर फोटो निकालेगा आप लोगों के अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी मुखड़ों के। और इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर आपको वो के इफ़ेक्ट मिलने वाला है, एक अच्छा इफ़ेक्ट है जो इस फ़ोन के साथ में आपको इस कैमरे के साथ में आपको मिलने वाला है। दोस्तों चलिए चलते हैं इसकी बात कर लेते हैं इसके अंदर रैम की। तो रैम मिल रही है आपको 6GB 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ में और 2 टेराबाइट आप इसे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म देख लेते हैं चलिए। इसका प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड पर आप देखेंगे तो 8.1 ओरियो आपको मिलने वाला है। और प्रोसेसर देख लेते हैं तो ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 आपको प्रोसेसर मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर GPU की बात करें जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल पता नहीं इतने हाई ग्राफिक के गेम्स आ गए हैं कि GPU तो अच्छा होना ही चाहिए। दोस्तों GPU एड्रिनो GPU मिल रहा है 630 आपको, ये बहुत ही अच्छा GPU है जहाँ पर आप अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ में इस फ़ोन को एंजॉय कर सकते हैं।
दोस्तों बात करें यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की, जो कि आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में आपको मैं क्लियरली बताऊं तो यहाँ पर शायद आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर देखें 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलेगा। इसके साथ ही आपको इसमें बैटरी मिलने वाली है 3300 mAh की बैटरी और क्विक चार्ज सपोर्ट के साथ में आपको ये फ़ोन मिलने वाला है। दोस्तों चलिए चलते हैं इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। वैसे तो इसकी कीमत है 60,000, लेकिन आप एक स्मार्ट ग्राहक बनकर, अच्छे कंज्यूमर बनकर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाकर सिर्फ 4990 यानी कि 49,990 रुपये में आप इसे खरीद सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और ख़रीद लीजिए अगर आपको ये फ़ोन पसंद आ गया है। इसकी स्क्रीन पर कुछ मैं फ़ोटो लगा देता हूँ, हो सकता है आपको पसंद भी आ जाए। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर और वो है फ्लिपकार्ट से जुड़ी। दोस्तों रिपब्लिक डे सेल आ रही है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को आ ही रहा है और उसी के हिसाब से सब लोगों के लिए कुछ स्पेशल डील्स लेकर आया है फ्लिपकार्ट। अगर बात करें ई कॉमर्स के अंदर तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग सबसे ज़्यादा खरीदारी करते हैं। दोस्तों उधर देखें तो यहाँ पर अमेज़ॉन चला रखा है ग्रेट इंडियन सेल और इधर देखें तो आपको फ्लिपकार्ट पर मिलती है रिपब्लिक डे सेल। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मिल रहे हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मिल रहे हैं। देखिए कहाँ पर कौन सी रेट आपको पवड़ रही है, मतलब आपके बजट में सेट हो रही है और कुछ डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर शाओमी, रियलमी, सैमसंग, ओप्पो, गूगल सब के स्मार्टफोन मिल रहे हैं। खास करके स्मार्टफोन पर ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर बिग अप्लायंस और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कैटेगरी है जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये बात करें तो आपको एक तो नो कॉस्ट EMI मिल रही है। इसके साथ ही अगर आप अच्छे SBI क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़र है तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही स्मार्टफोन खरीदने का अच्छा मौका है तो खरीद लीजिए, जाइए फ्लिपकार्ट पर और अच्छी अच्छी शॉपिंग कर लीजिए अपने लिए और अपनों के लिए। चलिए दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं और वो है शाओमी से जुड़ी। दोस्तों वैसे चाइना में ये स्मार्टफोन मिल रहा है लेकिन इंडिया के लिए अब 7 जो कि 10 सेकंड का एक वीडियो जारी हुआ है जो कि उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने वो दिख रहे हैं और उन्होंने अपने फ़ोन से जो कि है Redmi Note 7 अखरोट फोड़ कर दिखाया है। दोस्तों क्या पता इस स्मार्टफोन में क्या दिखाना चाहते। मेरे हिसाब से अगर मैंने अंदाज़ा लगाया है तो बात ये है कि अपने स्मार्टफोन की मजबूती वो बताना चाह रहे हैं। तो आप भी चाहे तो ऐसे मजबूत फ़ोन को ले सकते हैं जिसे बनाया है Xiaomi Redmi Note 7, यानी कि Xiaomi और Redmi दोनों ने मिलकर बनाया है। अब क्या पता कितने दिन ये दोनों साथ रहते हैं और कितने दिन नए स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं या अलग अलग होकर कैसा कॉम्बिनेशन इनका बैठता है, ये तो आगे समय ही बताएगा। 10 सेकंड के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया गया कि प्रेसिडेंट अपने स्मार्टफोन से अखरोट तोड़कर बता रहे हैं। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पर ये वायरल और शेयर भी हो रहा है। दोस्तों देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो यहाँ पर 48 MP मेगापिक्सल आपको कैमरा मिलने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर और 10 सेकंड के इस वीडियो में फोड़ते हुए दिखाते हुए साथ में इसकी स्क्रीन की बात करते हो 6.3 इंच की ये फुल HD प्लस आपको स्क्रीन मिलने वाली है। और बात करते हैं यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 660 यानी 660 ये आपको प्रोसेसर मिल रहा है और रैम के वेरिएंट देखें तो 3GB 4GB और 6GB तीन वेरिएंट इसमें आपको मिलने वाले हैं। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी है इसमें और साथ में मिलता है फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन। दोस्तों इससे संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं अगली खबर पर और वो है Honor 10 से जुड़ी। दोस्तों Honor 10 जो कि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, Honor 10 Lite की बात कर रहा हूँ मैं, Honor 10 Lite
दोस्तों देखिए तो यहाँ पर 20 जनवरी से इसे सेल के लिए शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें दो वेरिएंट आए हैं 4GB 6GB वाले, और कीमत की बात करें तो 4GB वाले की कीमत है 13,999 रुपये और 6GB वाले की है 17,999 रुपये। दोस्तों फ्लिपकार्ट पर नो कॉस्ट EMI के साथ में, और इसके साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट जो कि हॉनर की है वो वहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों कलर इसमें कुछ तीन तरह के कलर है जो कि मैं बता दूँ, मिडनाइट ब्लैक, सफायर ब्लू और स्काई ब्लू, तीन कलर है इसके अंदर। और इसके साथ ही पीछे बैक के अंदर आपको ग्रेडियंट फिनिश मिलने वाली है। दोस्तों इसके साथ ही जियो का ऑफर है जो कि 2200 रुपये का कैशबैक मिल रहा है, और फिलेट्रिक की तरफ से आपको 2800 रुपये के वाउचर मिल रहे हैं। तो घूमिए और कैशबैक का फ़ायदा उठाइए। स्पेसिफिकेशन पर आपको थोड़ी सी नज़र डाल के बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 9.5 का EMUI 9 मिलने वाला है। इसके साथ ही स्क्रीन की बात करें 6.21 इंच की HD फुल HD प्लस आपको यहां पर स्क्रीन मिलने वाली है। और रेजोल्यूशन पिक्सल की बात करें तो यहां पर 1080x2340 पिक्सल आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही यहां पर ड्यू नॉच मिलेगी आपको, और साथ ही रैम की बात करें तो यहां पर 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ में आपको मिलने वाला है, सॉरी 64GB इंटरनल के साथ में आपको 512 GB तक आप इसे इंटरनल माइक्रो SD कार्ड से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर कैमरे की बात कर लेते हैं, ड्यूअल कैमरा है इसमें, 13MP प्लस 2MP का ये कि डेप्थ कैमरा है, जो कि सेंसर है 2MP का। इसके साथ ही फ्रंट कैमरे में AI के साथ में आपको मिल रहा है जो कि 24 मेगापिक्सल आपको मिलने। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर हाई सिलिकॉन किरिन 710 मिलने वाला है, एक नया प्रोसेसर। और इसके अंदर GPU मिलने वाला है आपको टर्बो 2.0। दोस्तों आई प्रोटेक्शन के साथ में, यानी कि जो कि ब्लू लाइट एक्सप्लोरर जो होती है, जो ब्लू लाइट होती है तो स्मार्टफोन की, जो आंखों की रोशनी आंखों के लिए थोड़ी सी हानिकारक बताई गई है, तो उसके लिए यहाँ पर आई केयर का बटन भी आपको स्मार्टफोन मिलने वाला है। इसके साथ ही बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 3400 mAh यानी कि 3400 mAh की बैटरी मिलने वाली है। और बात कर लें यहाँ पर आपको मिलने वाला है Paytm का पे बटन। दोस्तों ये पहली बार इस स्मार्टफोन मिल रहा है जो कि यहाँ पर से आप सीधे क्लिक करेंगे और सीधे किसी भी पेमेंट को पे कर पाएंगे पेटीएम से। तो कुछ एक क्लिक से पेमेंट करना चाहते हैं और बहुत सारे स्पेसिफिकेशन जो मैंने अभी बताए वो सब लेना चाहते हैं, तो जाइए और फ्लिपकार्ट से इसे ख़रीद लीजिए। दोस्तों ये थी 5 खबरें जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। वीडियो में कुछ भी ख़राब लगा हो तो मुझे मत बताना, इसके साथ ही अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, इसके साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।